करता हूँ जितने भी HPTDC के होटल हैं और जो हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें रुपए के होटल्स हुआ पिछले सरकार के समय में बनाए गए और प्राइम प्रॉपर्टीज थी और जयराम जी की सरकार ने उसको औने पौने जो है रेट पर जो है लीज पे दे दिया, बहुत बड़ा नुकसान उसका कराया। जहां तक 18 होटल्स जिसको अभी माननीय जो है हाई कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं, मैं समझता हूं कि इस आदेश के बारे में हमें जो है गंभीरता से आगे विचार करने की जरूरत है। हमें आगे कानूनी जो भी सहायता मिल सकती है उसके लिए जाएंगे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर होटल्स है प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है और अगर किसी जगह पे 40% ऑक्यूपेंसी हो रहा है तो पूरे साल में 100% ऑक्यूपेंसी होटलों में कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो है विंटर टूरिज्म अलग है, समर अलग है, मॉनसून अलग है, तो कई जो है सीजन में कम और ज्यादा होता। परंतु मुझे समझ नहीं आया कि जो बिजनेस करना है या जो कॉरपोरेशन चलाने हैं उसको भी अगर हम किसी कोर्ट के आदेश से बंद करेंगे तो जो हमारे इम्प्लॉयज हैं उनका मतलब कैसे, मतलब हम उनको तनख्वाह दे पाएंगे। अब जबकि ये होटल्स जो है ऐसे समय में बने प्रदेश में जब हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत थी और इन होटल्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है उन इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और उस इलाके के लोगों को रोजगार देने में, तो ये जो है इसके ऊपर हम विचार करेंगे और जहां कोई कमी है उसको दुरुस्त करके इनको जो है बढ़िया तरीके से चलाने की जरूरत है। भाजपा कह रही है कि वो अपने मित्रों को देने की तैयारी, मित्रों को तो भाजपा की सरकार ने दिया ना, जो 40-40 करोड़ के 70-70 करोड़ के जो होटल्स बनाए हैं वो बिना कोई मतलब सोचे समझे बहुत ही कम दामों पे दिया। अब आप थुनांग का हिसाब लगाएंगे, बढ़िया लोकेशन सारा का सारा जो है जो वहाँ प्रॉपर्टी बनी थी महिंद्रा क्लब को दे दिया, बताइए कितने में दिया है वो। जयराम जी उसका हिसाब तो दें पहले, अपने वहां से शुरुआत करें। हम तो जो है इसको चलाना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं। हमने तो जो है वाइल्ड फ्लावर जो है हॉल है उसको भी वापस कोर्ट के में जाकर अपनी दलीलें रखकर अपने फेवर में किया है। हम तो हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो हमारे एसेट्स हैं हम उन एसेट्स को जो है एक धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। अब चायल है हमारा मशहूर है, आप उसको क्यों बेचने की बात सोच रहे हो? बीजेपी कह रही कि हिमाचल को नीलामी पर खड़ा कर दिया है कांग्रेस सरकार ने, आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ या हिमाचल के अध्यक्ष हूँ, सबका आरोप यही है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, सरकार काम नहीं। एक बात तो आपको ये समझना चाहिए कि बीजेपी जो है सिर्फ एक काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में, वो जो है देखना चाहते कि हिमाचल जो है आर्थिक रूप से भी कंगाल हो जाए और जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को किस तरह से वो गिराए। अब जो इनका ऑपरेशन लोटस था वो फेल हो गया, इसमें जो है इन्होंने हर तरह का जो है जो भी इनके पास शक्तियां थी, जो भी तौर तरीके थे, गलत तौर तरीके थे, सभी को इस्तेमाल करने के बावजूद ये सरकार को गिरा नहीं पाए। अब ये कोशिश में है कि किसी तरह से आर्थिक रूप से जो है प्रदेश कंगाल हो जाए और उसके लिए इन्होंने किया भी है। अब जब हमने OPS लागू किया तो इन्होंने उसकी सजा हमें दी केंद्र सरकार से कि हमारा जो बोरिंग का जो एक परसेंटेज था उसको कम करके दिया है, जो केंद्र सरकार से हमें सेंट्रल असिस्टेंस मिलता था वो सारा रोक दिया है। तो जो केंद्र में हमारे नड्डा जी हमारे प्रदेश के हैं परंतु वो हमें जो है सहयोग नहीं कर रहे। जयराम जी तो इसलिए खुश है कि जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कटघरे पे खड़ा करें और जो है गिराए, पर इनके सारे इरादे जो है सब खत्म है। ना ये सरकार को गिरा सके ना जो है हम आर्थिक रूप से कंगाल कर पाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने अपने जो है कांग्रेस की सरकार ने जो भी गारंटियां हमने जो है चुनाव में दिए थे हम जो है क्रमबद्ध तरीके से उसको जो है लागू कर रहे हैं। बड़ी गारंटियां हमारी पूरी हो गई है, OPS का हमारा गारंटी पूरा हो गया है, हमारा जो है युवाओं को रोजगार देना है,
दो साल में हमने वो इतने रोजगार दिए जितना भाजपा ने पांच साल में नहीं दिया। तीसरी गारंटी महिलाओं को जो 1500 रूपये जो हमने एक समान राशि देने की बात की है, आज उसी को जो है इन्होंने जो है हरियाणा में, इसी को महाराष्ट्र में, इसी को झारखंड में इन्होंने उतारा है। अगर हमारी स्कीमें खराब थी तो ये क्यों इसको रेप्लीकेट कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। हाँ, ये अलग बात है कि हमें जो केंद्र सरकार एक सौतला व्यवहार करने के कारण हमें कुछ आर्थिक तंगी है, परंतु उस आर्थिक तंगी के बावजूद हमारे कोई विकास के काम नहीं रुके हैं। जो भी हमने बजट में घोषणाएं की है उसको हम जो है पूरा करने जा रहे हैं, और बेशक थोड़ा सा उसमें रुकावट हुई है क्योंकि 2023 का आपदा को भी नहीं भूलना है आपको। 2023 में हिमाचल में जो एक आपदा यहाँ पर हुई है, इतनी बड़ी आपदा हिमाचल में पहले नहीं हुई, उसमें भी केंद्र सरकार ने हाथ जोड़ दिए, एक पैसा आज दिन तक हमें नहीं मिला है। बेशक वहां पर नड्डा जी सेंटर में है, मोदी जी हिंदुस्तान हिमाचल के बारे में यहां से जो है विदेशी देशों से जो है सेब हिमाचल में जो है आयात किया जा रहा है, तो ये हमें कहां मदद कर रहे हैं बताइए। जयराम जी पहले बहुत रोज बोलते रहते थे सरकार आज गिरी कल गिरी, यहां तक भी कहा कि भगवान भी नहीं बचाएगी इनकी सरकार को। क्या भगवान के साथ डायरेक्ट जयराम जी का तार बना हुआ है? अब वो जो है जयराम जी ने आजकल कुछ और बोलना शुरू कर दिया, और ये जो सरकार गिराने का अब जो है दायित्व जो है उनको दे दिया, हर्षमार्जन जी को दिया हुआ है। आजकल हर्षमार्जन जी कहते हैं सरकार गिरेगी और जयराम जी कहते हैं सरकार कंगाल हो जाएगी, और दोनों के जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, दोनों सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। हम हिमाचल को जो है कांग्रेस की सरकार इसको जो है जो जो हमने वादे किए हैं और जो भाजपा ने पांच सालों में पिछले इनके सरकार के समय में हिमाचल को आर्थिक रूप से पटरी से उतारा, हिमाचल में जो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त किया, उन सबको हम ठीक करेंगे। सर, इस बार यूनिवर्सल कार्टन से सेब बिका है, कितनी पेड़ लगभग कितनी पेटियां जो है वो पिछले साल की अपेक्षा इस बार अधिक हुई है, और थोड़ा सा बताएं यूनिवर्सल कार्टन का क्या रिस्पॉन्स रहा है? सर, यूनिवर्सल कार्टन का भी जो है भाजपा वाले विरोध करते रहे, इनके कई माननीय विधायक मेरे पास आए और कहा कि इस बार इस यूनिवर्सल कार्टन को मत आप लागू करो क्योंकि पुराने कार्टन बहुत पड़े हुए हैं, ये लोग हैं चिंता कर रहे हैं बड़े बड़े फैक्ट्री वालों की। और हमने कहा कि नहीं, हमने फैसला किया है कि हम जो है यूनिवर्सल कार्टन लागू करेंगे, और इन्होंने धमकियां भी दी थी कुछ लोगों ने कि भाई करोगे तो यहां पर मार्केट में सेब ही नहीं खरीदा जाएगा। उसके बावजूद हमने एसपीएमसी को शुरुआती दिनों में हमने यूनिवर्सल कार्टन लाके जगह जगह पे सेल सेंटरों में रखा ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो फार्मर्स में, और उसके बाद जो है यूनिवर्सल कार्टन बढ़िया चला। जहां ये 35-35 किलो जो है एक उसमें टेलीस्कोपिक में लेते थे और रेट देते थे वो 20-25 एक किलो का, वो प्रथा बंद हुई है, और अब जो है 20 और 23 किलो के आसपास में जब सेब गया है तो आप लगाइए कि 4-4, 5-5 किलो सेब आपका बचा, और वो भी किलो के हिसाब से हमने लागू किया तो लोगों को फायदा हुआ है। इस बार फसलें कम हुई परंतु यूनिवर्सल कार्टन के कारण जो है पिछले बराबर जो है 2.8 करोड़ के करीब अभी हुआ, तो पिछले बार भी इतने था, मिश्र इस बार फसल कम थी पर पेटियों के उसमें हम ज्यादा इसलिए कर पाए क्योंकि पेटी में 23 किलो 24 किलो से ऊपर का जो है हमने अलाउ नहीं किया यूनिवर्सल कार्टन लाने से। सर, भाजपा के जो नेता है पहले हरियाणा गए, उसके बाद जब झारखंड महाराष्ट्र भी गए, और जो रुझान आए हैं वो लग रहा है अब महायुति की, जो पिछले का रुझान आया महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, भाजपा ये वहां पर जाकर के प्रचार कर रही है कि जो गारंटियां हैं वो गारंटियां पूरी नहीं हुई है जमीनी स्तर पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छवि को धूमिल किया जा रहा है प्रदेश की छवि को और राष्ट्रीय स्तर पर जिस भी राज्य में जा रहे हैं भाजपा? वही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा के लोग हमारे हितेशी नहीं है, चाहे हमारे नड्डा जी हैं चाहे हमारे अपने जयराम जी हैं, ये हिमाचल को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जहां भी जा रहे हैं बदनाम कर रहे हैं, और हमारी स्कीमों को ही ये आगे लागू कर रहे हैं। ये जो महिलाओं को जो हमने समान राशि है क्यों इन्होंने हरियाणा में लागू किया, क्यों झारखंड में, क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और ओपीएस का इन्होंने जो है एक बीच का रास्ता निकाल दिया, एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब एनपीएस में कहीं ना कहीं जो नई पेंशन योजना है उसमें खामियां हैं, इसलिए वो अब ओपीएस को डायरेक्ट लाने के बजाय अब वो जो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये लोग जो है हिमाचल को हर तरह से बदनाम करके हिमाचल की सरकार को जो है कि जो है लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा का यही काम है और कुछ काम नहीं है, चुनाव ही चुनाव में जाना है देश में, चाहे भूखमरी हो चाहे बेरोजगारी हो, उनसे इनको नहीं लेना है। सर, भाजपा ने एक और लगाया है कि दबाव में काम कर रही है सरकार,
अब माफिया राज तो भाजपा के समय था, ये सारे माफिया जो हम आज जिनसे हम लड़ रहे हैं ये सारे इनके क्रिएट किए हुए हैं। आज भी अगर आप ईडी जो है सिलेक्टिव जो है रेड करती है, ईडी जो है कोई आप अगर सही मायने में रेड करे तो तब पता लगे ना, ईडी जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को तंग करते जो इनके पास नहीं जाते, बीजेपी में ज्वाइन नहीं करते, और जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो अगर वो बीजेपी में चले जाए तो वो फिर वॉशिंग मशीन में साफ होकर धुल जाता है। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ईडी सीबीआई लेनी देनी जितने भी इनके पास है ये सारे इनके कठपुतले बने हुए हैं और ये केवल सिर्फ अपने फायदे के लिए इनको यूज हो रहा है। अब समय आ गया है कि इस देश के अंदर लोगों को सोचना पड़ेगा कि कब तक हम इसको झेलेंगे। अब इसको जो आज तक हम अत्याचार झेल रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं, जो लोकतंत्र को के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अगर भाजपा का अगर यही राज रह जाएगा तो देश हिंदुस्तान जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नहीं रहने वाला। आज मणिपुर में आप देख रहे हैं कि वहां के हालात देखिए, वहां पर जो है ऐसे हालात जो है राजा महाराजों के जमाने में भी नहीं होता था कि जो है महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे के पूरे गलियों में घुमाया जाए, आज तक कभी सुना नहीं था, ये भाजपा के राज में हुआ। आज जो लोग है उग्र हो रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है 370 हटाने के बाद क्या ये लोग खुश हैं? आपने वादा किया था इनको राज्य का दर्जा देने के लिए, आज जो है आपके लेह लद्दाख से लोग पैदल दिल्ली पहुंच रहे हैं, पर दिल्ली में भी आप इनकी बात नहीं सुन रहे। जो अगर इस तरह से अगर नीचे ऊपर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है भाजपा। कार्यकाल शुरू होने जा रहा है और बिलासपुर में जश्न की तैयारी में कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, दो साल का, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक बहुत बड़े खतरे से, लोकतांत्रिक खतरे से, संविधान के खतरे से उबर के आए। हमें खुशी इस बात का भी मनाना चाहिए सबको मिलकर कि जो चुनाव के द्वारा चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को भाजपा जो है गिराने में सफल नहीं हुआ। बेशक उन्होंने अरबों रुपए इसमें झोंक दिए, इसमें जो है हर प्रकार का प्रलोभन दिया गया, दल बदल के कानून को दरकिनारे किया गया। ये भी एक जो है खुशी का मौका है कि लोकतंत्र बचा है, बाकी जो हमारी उपलब्धियां हैं वो तो हम आपके सामने गिनाते रहते हैं। अब आप ये कहोगे कि धर्मशाला में विधानसभा का सेशन क्यों होता है, ये तो अब हमें देखना है ना कि कहां पर जो है हम पूरे हिमाचल में जो है अलग अलग जगह पे मनाते हैं,